संजय दत्त और मान्यता दत्त के जुड़वा बच्चे शहरान और इकरा आज अपना 11वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। संजय और मान्यता ने अपने बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट किया और इसकी कुछ शानदार तस्वीरें पोस्ट की है। मान्यता द्वारा शेयर की गई इन तस्वीरों में शहरान और इकरा केक कट करते हुए नजर आए। बच्चों के चेहरे पर जन्मदिन की खुशी भी साफ नजर आ रही है। इन प्यारी सी तस्वीरों को पोस्ट करते हुए मान्यता ने एक प्यारा सा नोट भी लिखा है। मान्यता लिखती है, सपने देखो और उसे पूरा करते रहो, अपने पंख फैलाओ और खुशियां, प्यार और हंसी बांटते रहो। हैप्पी बर्थडे शहरान और इकराम, आई लव यू। इनके अलावा संजय दत्त ने भी अपने दोनों बच्चों की तस्वीरों का एक कोलाज शेयर किया है और उन्हें बर्थडे विश किया है। संजय कैप्शन में लिखते हैं, हैप्पी बर्थडे मेरे अनमोल बच्चे, आप जहाँ भी जाओ खुशियाँ और प्यार आपके आसपास रहे। बता दें, मान्यता दत्त ने पिछले साल भी अपने बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट किया था। उस वक्त अपने पेरेंट्स के साथ दुबई में थी और दुबई में ही बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट किया था। वही संजय दत्त वीडियो कॉल के जरिए अपने बच्चों के बर्थडे में शामिल हुए थे, लेकिन इस बार चारों को साफ देख कर फैंस भी काफी खुश है। आपको बता दें, संजय ने 2008 में मान्यता दत्त से शादी की थी और 2010 में दोनों जुड़वा बच्चों के पेरेंट्स बने। जेल में रहने के कारण संजय दत्त अपने बच्चों को ज्यादा समय नहीं दे पाए, लेकिन अब जब भी उन्हें शूटिंग से वक्त मिलता है वो अपने बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, संजय दत्त ने पहली शादी रिचा शर्मा से की थी और उनसे उनकी एक बेटी त्रिशाला है। ब्रेन ट्यूमर की वजह से बेटी के जन्म के कुछ ही दिनों बाद ऋचा शर्मा का निधन हो गया था। इसके बाद संजय ने मॉडल और एक्ट्रेस रिया पिल्लई से शादी की, लेकिन उनकी शादी ज्यादा दिन तक नहीं चल सकी। वही रिया पिल्लई से तलाक के बाद संजय ने 11 फरवरी 2008 को मान्यता दत्त से शादी की। संजय दत्त से शादी के पहले मान्यता कुछ बी ग्रेड फिल्मों और आइटम नंबर्स में नजर आ चुकी है। हालांकि शादी के बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली और अब वो अपने पति और बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिता रही है। हम भी शहरान और इकरा को बर्थडे की ढेर सारी बधाई देते हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें गजब खबरें।